जीत या हार रहो तैयार। सफल वक्ता, सफल व्यक्ति और जुड़ो जोड़ों के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर उज्जवल पाटनी। इस किताब को सोच समझकर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें मीठी किताबी और पुचकारने वाली बातें नहीं है। हो सकता है कि यह पुस्तक आपको झंझोड़े, चोट पहुंचाए, शर्मिंदा करे, प्रेरित करे या कड़वे सच सामने लेकर आए, लेकिन एक बात तय है, आपके मस्तिष्क में विचारों का विस्फोट जरूर होगा और आप फिर से जूझने के लिए तैयार होंगे बिना जीत हार की परवाह किए। दोस्तों नमस्कार, विक्ट्री ज्ञान में आपका स्वागत है। इसी तरह की ऑडियो बुक को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों इस ऑडियो बुक को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए आज की ऑडियो बुक को स्टार्ट करते हैं। माँ तुम्हें प्रणाम। मैं जीत या हार रहो तैयार को अपनी प्यारी माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ। कम उम्र में पिता के देहावसान के बाद माँ ने ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकूँ और स्वयं के जीवन की जिम्मेदारी ले सकूँ। मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मुझे उन्हें सुख के क्षण देने का अवसर ही नहीं मिला। जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ, वे अस्वस्थ हो गई और कुछ समय पहले उनका देहांत हो गया। मेरी माँ कहती थी कि जीत और हार मंजिल के सफर का एक हिस्सा है। हारने से कोई छोटा नहीं होता और जीतने से कोई बड़ा नहीं होता। महत्व इस बात का होता है कि आपने अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग किया या नहीं। महत्व इस बात का है कि आपने अपने सपनों को पाने के लिए पसीना बहाया या नहीं। मंजिल पर पहुंचकर जो आनंद मिलेगा, उसकी कल्पना करते हुए डटे रहिए, फिर चाहे पथ पर कैसी भी मुश्किलें हों। सीधा, खरा और सच्चा। इस कृति के प्रथम संस्करण को पढ़ने के बाद मुझे ढेरों पत्र और ईमेल आए। अधिकांश लोगों ने कृति की दिल खोलकर प्रशंसा की और आभार व्यक्त किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस प्रशंसा को मैं अहंकार और घमंड आने के पहले ही भूल जाऊं। खैर, कुछ पाठकों ने मुझे सलाह दी कि मैं अपनी लेखनी की तीखी धार और कड़वाहट थोड़ी कम करूं। मैं सोच में पड़ गया कि कड़वाहट कैसे कम करूं, क्योंकि मैं तो सच लिखता हूं, सीधा, स्पष्ट, बिल्कुल खरा, और सच तो अधिकांशतः कड़वा होता है। सच तो यह है कि दीवार में कील ठोकनी हो तो हथौड़ा ही काम आता है, तकिए से काम नहीं चलेगा। बड़ी बीमारियां ठीक करनी हो तो कड़वी गोली और इंजेक्शन लेने ही पड़ते हैं। केवल मीठी गोली से बात नहीं बनती। उसी तरह मैं भी बिना लाग लपेट के सीधी बात कहता हूं, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक परिवर्तन चाहता हूं। सच यह भी है कि मशीनी ज़िंदगी की भागम भाग में इंसान की संवेदना कम हो गई है। हल्की फुल्की बातें तो चमड़ी को नहीं भेद पाती, मस्तिष्क को क्या भेदेंगी। अपनी कार्यशालाओं में शुद्ध थ्योरी से मैं परहेज करता हूँ। मैं वही कहता हूँ जिसे आप जीवन में अमल में ला सकें। इसलिए मैंने तय किया है, जब तक लिखूँगा सीधा, खरा और सच्चा लिखूँगा। आपको मेरे विचार ठुकराने का पूरा हक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप और हम हर बार सहमत हो। अच्छा लिखूँ तो अमल करना और आहत करूँ तो क्षमा कर देना। जीत या हार रहो तैयार के बारे में बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, आइए उनके विचार भी जान लेते हैं। डॉक्टर किरण बेदी जी कहती हैं, इस कृति से मैं बेहद प्रभावित हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से मुझे फ़ायदा हुआ है, उसी तरह से यह कृति हर किसी को जबरदस्त प्रेरणा देगी। जोगिंदर सिंह जी कहते हैं, प्रख्यात लेखक, पूर्व निदेशक CBI, जीत या हार रहो तैयार एक बेहतरीन कृति है। मैं आपके लिखे हर शब्द से सहमत हूँ। मल्लिका साराभाई, प्रख्यात नृत्यांगना एवं समाज सेवी जी कहती हैं, मैंने आपकी कृति पढ़ी। इतनी सरल भाषा में इतनी जबरदस्त कृति के लिए आपको बधाई देती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह लोगों के लिए बेहद उपयोगी और पथ प्रदर्शक होगी। प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं। ढेरों व्यक्तित्व विकास और जीवन प्रबंध की पुस्तकें पढ़ पढ़कर लोगों को अब ये केवल किताबी बातें लगती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसी पुस्तकों से किसी को कुछ हासिल नहीं होता। कोरी फिलॉसफी है ये।
इन पुस्तकों के अधिकांश सिद्धांत ऐसे होते हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई मोल नहीं होता। बुद्धिमान लोग यह भी कहते हैं कि प्रशंसक किताबें बेचकर कमाता है, लेखक रॉयल्टी से कमाता है और ज्ञान की दुकान चलती रहती है। मैं 100% आपसे सहमत हूँ कि कोई भी प्रेरक किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता, कोई भी किताब किसी की उलझन नहीं सुलझा सकती, कोई भी सारपूर्ण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती, कोई भी सलाह किसी की गलत आदत नहीं सुधार सकती, और कोई भी सिर्फ किताब पढ़कर आज तक करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने वाला व्यक्ति है। यदि पाठक बदलना नहीं चाहता, अपनी कमजोरियों और असफलता के साथ जीना चाहता है, तो प्रेरक और पुस्तक दोनों का कोई मोल नहीं। यदि पाठक अपनी समस्या नहीं सुलझाना चाहता, तकलीफ में जीना चाहता है, मुश्किलों में और गहरे खड्डों में फंसना चाहता है, तो आखिर किताब क्या कर सकती है। यदि पाठक अपनी गलत आदत नहीं बदलना चाहता, यह जानते हुए भी कि वह आदत बदलते ही जिंदगी कदम चूमने लगेगी, तो इसमें निर्जीव पुस्तक का क्या दोष है। कोई भी पाठक किताब पढ़कर सफल और धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक कोई ATM मशीन तो नहीं है जिसमें बटन दबाओ और पैसे बाहर आ जाएं। पुस्तक केवल आपको धन कमाने के रास्ते और रास्तों में आने वाली मुश्किलें बता सकती हैं। आप अपने बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना ही नहीं बहाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। मित्रों, यदि आप किसी शहर के लिए यात्रा करने वाले हो तो उस यात्रा के लिए आपको उपयुक्त ट्रेन का चुनाव करना होगा, रिजर्वेशन कराना होगा, नियत दिन और नियत समय पर पहुंचकर सही ट्रेन में बैठना होगा। अंत में यह भी ध्यान रखना होगा कि आप मंजिल पर पहुंचने के पहले ट्रेन से न उतरें। आपको यदि घर पर ट्रेन की सारी जानकारी सही टिकट के साथ भी पहुंचा दी जाएगी तो भी आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए घर से निकलकर स्टेशन पहुंचना होगा और ट्रेन पर चढ़ना होगा। बिना मेहनत के जब एक छोटी सी ट्रेन यात्रा संभव नहीं है तो जीवन यात्रा कैसी होगी। ठीक इसी प्रकार इस किताब में आपको ऐसे अनेक विचार मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन तभी होगा जब आप पूरी ताकत और योजना से उस विचार पर कार्य करेंगे। एक श्रेष्ठ विचार में इतनी शक्ति होती है कि वो अमल में लाने वाले के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन ला सकता है। उस कार्य को शुरू करने से भी ज़्यादा जरूरी है अंत तक मंजिल प्राप्त करने के लिए डटे रहें। यदि आपने आलस्य या निराशा की वजह से अधूरे मन से प्रयास किया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह किताब एक शानदार प्रीतिभोज के मीनू की तरह है, जो भी पसंद आए ग्रहण कर लेना, जो पसंद ना आए उसे छोड़ देना। एक ही बार में ज़्यादा ग्रहण मत करना, नहीं तो ना पचने की वजह से तकलीफ हो सकती है। यदि उपवास रखकर प्रतिभोज में आओगे तो मेजबान की कोई गलती नहीं, दोष उसके कंधे पर मत डालना। यदि इस किताब का असली मजा लेना है तो मैं ज्ञानी हूँ इस धारणा को निकाल फेंको, दिमाग के बंद दरवाजों को खोलो और मेरे विचारों को अपने अंदर प्रवेश करने दो। क्योंकि दिमाग एक पैराशूट की तरह होता है, वो तभी काम करता है जब वो खुलता है। अक्सर किताबों में लिखे बेहतरीन प्रेरणादायी विचार भी लोगों को उद्वेलित नहीं कर पाते, झंझोर नहीं पाते, क्योंकि लोग उन विचारों को दिमाग में प्रवेश नहीं करने देते हैं। कुछ अति बुद्धिमान लोग थ्योरिटिकल बात, सुनी सुनाई बात बहुत जगह पढ़ा है, जैसे शब्दों के माध्यम से इन क्रांतिकारी विचारों को छुपा देते हैं, महानायकों की उपलब्धियों और संघर्षों को सामान्य बना देते हैं। यदि आप सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहते हैं तो सब कुछ जानते हैं को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जानना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मानना बहुत महत्वपूर्ण है। गुस्सा संबंधों को नष्ट कर देता है, सब जानते हैं, लेकिन 2 नंबर का कार्य करने पर फंस सकते हैं, सब जानते हैं, लेकिन तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होता है, सब जानते हैं, लेकिन जल्द सोना जल्द उठना अमृत तुल्य है, सब जानते हैं, लेकिन दूसरी स्त्रियों को गलत निगाहों से देखना नहीं चाहिए, सब जानते हैं, लेकिन कोई भी इंसान मृत्यु के बाद दौलत साथ नहीं ले जाता, सब जानते हैं, लेकिन सिगरेट तंबाकू शराब गुटखा जानलेवा हो सकता है, सब खाते हैं, लेकिन इस तरह की हजारों बातें हैं जिन्हें हम जानते हैं परंतु उनके प्रति गंभीर नहीं होते, उन्हें अमल में नहीं लाते और अंत में उनकी कीमत चुकाते हैं। क्या सिर्फ जानना महत्वपूर्ण है?
या जानने के साथ जीवन में भी उतारना पड़ेगा। जो जानता नहीं इसलिए पालन नहीं कर पाता वह अज्ञानी है, लेकिन जो जानता है फिर भी पालन नहीं करता वो मूर्ख है। आप अपनी श्रेणी स्वयं चुनिए, अज्ञानी, मूर्ख या बुद्धिमान। मैं यह तो दावा नहीं कर सकता कि आप इसको पढ़ते ही सफल हो जाएंगे या धनी हो जाएंगे, लेकिन आप एक बार अवश्य सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यदि सोचने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो सीखने की अपने आप शुरू हो जाएगी। मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, अच्छा बुरा बता सकता हूँ, लेकिन रास्ते पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। अच्छे बुरे में किसको चुने यह निर्णय आपका अपना होगा। एक शक्तिशाली विचार ने एक ऐसे छात्र को डॉक्टर बना दिया जो बड़ी मुश्किल से पास होता था और 11वीं कक्षा में 2 विषयों में फेल हो गया था। एक दूसरे शक्तिशाली विचार ने उस सफल डॉक्टर को एक व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक बना दिया और स्पीच गुरु का उपनाम दे दिया। एक तीसरे शक्तिशाली विचार ने उस ट्रेनिंग एक्सपर्ट को लोकप्रिय बना दिया और उसकी किताब देश विदेश में धड़ाधड़ बिकने लगी। यदि मुझ जैसा औसत से भी कम स्तर का विद्यार्थी विचारों से दौलित होकर उपलब्धियां हासिल कर सकता है तो यकीन मानिए आप भी हासिल कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश करने दें और बिना अति बुद्धिमानी लगाए पूरी शिद्दत के साथ कार्य करें। मैं आपके जैसा ही आम आदमी हूँ, आपका दोस्त हूँ, कभी जीतता कभी हारता, कभी गिरता कभी उठता, लेकिन उम्मीदें जिंदा हैं, डटा हुआ हूँ। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी। असफल होने का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। यह अध्याय लिखते हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल मेरे दिमाग में कोंद रहे थे। किसी भी व्यक्ति को असफल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, दूसरे लोग या वह स्वयं? कोई अवसर का लाभ नहीं उठा पाया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, दूसरों की या अपने आप की? कोई योग्यता होते हुए भी सामान्य जिंदगी जी रहा हो तो कौन जिम्मेदार है, दूसरा या आप स्वयं? कोई भी आधे मन से कार्य करता है और अंत में निराशा हाथ लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन है, दूसरे या वह स्वयं? कोई जीवन के प्रति निरुत्साहित और निराशावादी है तो इसका जिम्मेदार कौन है, दूसरे या वह स्वयं? कोई हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे बैठा है और अपने जीवन का सर्वनाश कर रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, दूसरे या वह स्वयं? मैं यकीन से कहता हूँ कि किसी भी इंसान को दूसरे उतना धोखा नहीं देते जितना वह खुद को देता है। किसी भी इंसान की अवनति के लिए दूसरे उतने उत्तरदायी नहीं होते जितना वह स्वयं होता है। कुछ असफलताओं के बाद व्यक्ति के मन में हीन भावना आ जाती है और वह कायर हो जाता है। वह इस बात पर चिंतन नहीं कर पाता कि जीत और हार तो जीवन का हिस्सा है। वह उन कारणों को भी नहीं ढूंढ पाता जिसकी वजह से उसके प्रयास असफल हुए। वह स्वयं को भाग्यहीन व्यक्ति मान लेता है। उसे लगता है कि संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है। वह यह मान लेता है कि दूसरे उससे बेहतर हैं और वह आम रहने के लिए पैदा हुआ है। मित्रों, मैं बीते दिनों में पुरानी असफलताओं के कारणों में गहरे नहीं उतरना चाहता। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि चाहे आपके साथ जो भी घटा हो, आपने कितना भी बुरा जीवन क्यों न जिया हो, आपके जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है, आपका मूल्य खत्म नहीं हुआ है। किसी को भी हक नहीं है कि किसी अनुपयोगी वस्तु की तरह आपको कबाड़ में डाल दे। आप पुनः खड़े हो सकते हैं, आप पुनः मंजिलों को पा सकते हैं। मेरे सामने आपके अतीत का कोई महत्व नहीं है, महत्व है तो भविष्य के प्रति आपकी सोच का। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों के उदाहरण पेश कर सकता हूँ जिन्हें दुनिया ने चुका हुआ मान लिया था, उनका तिरस्कार होने लगा था, लेकिन उनके हौसलों की उड़ान ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। वे सारे लोग जो कल तक उनका अपमान करते थे आज फिर उनके प्रशंसक हैं और जय जयकार कर रहे हैं। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सूर्य को हमेशा के लिए नहीं ढक सकती। सोना चाहे कितना भी धूल से सना हो, सोना सोना ही होता है। यदि आप अपनी इच्छा से एक खराब और मजदूर जिंदगी चुन रहे हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप बीती असफलताओं की वजह से डरे हुए हैं तो उठिए। यदि आप किसी कारण से हीन भावना से ग्रसित हैं तो अपने मन के अंदर उतरिए। आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए और आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनमें आप जैसी योग्यता नहीं है, फिर भी वे सुखी और समृद्ध हैं। आप
अपनी हीन भावना निकाल फेंकिए, क्योंकि यह दुनिया के दूसरे लोग सुखी रह सकते हैं तो आप भी रह सकते हैं, यदि कोई दूसरा समृद्ध हो सकता है तो आप भी हो सकते हैं। असफलता का अर्थ यह नहीं है कि आपका मूल्य कम हो गया है। मैंने एक वर्कशॉप में 1000 रुपये का एक नोट दिखाया और सब प्रतिभागियों से पूछा, इसे कौन पाना चाहेगा? सारे लोगों ने अपने हाथ उठा लिए। फिर मैंने उस नोट को बुरी तरह तोड़ मोड़ दिया, फिर सबसे पूछा कि अब इसे कौन पाना चाहेगा? फिर से सारे लोगों ने हाथ उठा दिए। फिर मैंने उस नोट को ज़मीन पर पटक दिया और उस पर बहुत सारी धूल डाल दी। पूरे जोश से मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या अब भी इसे कोई पाना चाहता है? हैरत की बात यह थी कि अब भी पूरे हाथ उठे हुए थे और सारे लोग उसे पाना चाहते थे। कहानी का सार समझाते हुए मैंने कहा कि नोट चाहे मुड़ा तुड़ा हो, चाहे दल में लिपटा हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, फिर भी 1000 का मूल्य 1000 ही होता है। मित्रों, ठीक इसी तरह जिंदगी में आप कैसे भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कितनी भी ठोकरें खाई हो, आपका मूल्य कोई कम नहीं कर सकता, बशर्ते आप अपना मूल्य सही आंकते हो। सिर्फ एक ज्वलंत प्रश्न है कि क्या आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा यस और नो। यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो अपने अतीत से खुद को मुक्त कीजिए, अपने बारे में श्रेष्ठ राय रखिए और पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू कीजिए। हर प्रकार के बहाने छोड़ दीजिए, जीत या हार जैसे बेमानी शब्दों को दिमाग से निकाल फेंकिए। सिर्फ इतना संकल्प लीजिए कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ पूरी ताकत और जुनून से करूँगा, और फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। फिर परिस्थितियाँ खुद झुककर आपको सलाम करेंगी, क्योंकि चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है। हम हमेशा इस बारे में सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, हम इस बारे में बहुत कम सोचते हैं कि हमारे पास कितना कुछ है। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी।